हेलो दोस्तों, क्या आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी वीडियो एडिटिंग कोर्स से? अपनी किसी और की या किसी भी किस्म की वीडियो को एडिट करके यूट्यूब पर डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन वीडियोस पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे किस तरह सोर्स मटेरियल यूज करके इंटरेस्टिंग और सिंपल वे ऑफ एडिटिंग की जा सकती है। वेलकम टू द लर्निंग अलॉट्स विद डॉट्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त एके सईद अहमद। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को हल्का सा टच कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर सबसे पहले आपने एक चीज समझनी है, जो वेबसाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ या जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन तरीकों से अगर आप कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं, थोड़ा सा एडिट करने के बाद आप जब उसे यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ये टोटली 100% फ्री है और इसका प्रूफ मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। चलें अब हम क्रोम को ओपन करने लगे हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ कहाँ से हम इन वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं YouTube पर। YouTube की ये पॉलिसी है कि YouTube की कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको एडिट करने के बाद एडिट ना भी करें तो उसको अगेन YouTube पर अपलोड कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। आपने जस्ट क्या करना है, सर्च बॉक्स में आना है, सर्च करना है। मैंने सर्च किया हुआ है TikTok वीडियोस 2021। आप कोई भी टॉपिक अपने नीच के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास कुछ रिजल्ट शो होंगे, फिल्टर का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इस फिल्टर के ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएटिव कॉमन का, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी इस पर क्लिक किया हुआ है, तो जो आपके पास वीडियोस या रिजल्ट शो होंगे उन वीडियोस को जब आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप उनको यूट्यूब पर अगेन यूज़ कर सकते हैं। ये यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है कि क्रिएटिव कॉमन की कोई भी वीडियो अगर आप डाउनलोड करने के बाद यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपने किसी भी वीडियो पर क्लिक करना है। अब ये वीडियो है, इस वीडियो को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आपके पास आइडिया है तो बेस्ट है। अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको नहीं पता किस तरह डाउनलोड करना है, ये जो URL दिया हुआ, ये जो YouTube लिखा हुआ है, इसके साथ SS को ऐड करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, ये जो वीडियो होगी इस न्यू इंटरफेस के अंदर इस फॉर्मेट में आ जाएगी। अब आपने जस्ट क्या करना है, डाउनलोड का ऑप्शन होगा या आप क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद या नीचे आपको रेजोल्यूशन देगा, किस रेजोल्यूशन में आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, उस रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इसको एडिट करें, एडिट करने के बाद आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब पर डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ ऐसी वेबसाइट को डिस्कस करते हैं जहाँ से आपको फ्री में वीडियोज़ मिलती हैं। वो जो फ्री में आपको वीडियोज़ मिलती हैं उनकी रेजोल्यूशन 4K तक भी होती है, 8K तक भी होती है, मतलब ये कि HD के अंदर होती हैं और टोटली फ्री होती हैं। इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और जहाँ पर भी इन वीडियोस को आप यूज़ करेंगे वहाँ कोई भी एट्रीब्यूट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि इसका ऑनर ये है, मैंने इस वेबसाइट से लिया या इस वेबसाइट से लिया, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं देना। सबसे पहले जो हमारी पहली वेबसाइट है उसको डिस्कस करते हैं। हमारी जो सबसे पहली वेबसाइट है उसका नाम है Vidigo.com। Vidigo.com की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर सिर्फ वीडियोज़ ही फ्री में नहीं मिलते, बल्कि इसके अलावा आपको फ़ोटोज़ मिल जाती हैं, इसके अलावा आपको मोशन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, म्यूज़िक मिल जाता है, साउंड इफेक्ट मिल जाता है और भी बहुत कुछ मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको जो वीडियोस मिलती हैं वो किस रेजोल्यूशन में फ्री में मिलती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखें, ये आपके पास है HD एंड 4K स्टॉक वीडियोस, मतलब ये कि आपको फुल HD के अंदर हाई डेफिनेशन वीडियोस मिलती हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटली फ्री होती हैं क्योंकि इनके साथ ये लिखा भी हुआ है कि ये टोटली फ्री वीडियोज़ हैं, आप इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपने जस्ट आना है, किसी भी वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का मेन इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आपकी वीडियो जिस पर आपने क्लिक किया होगा वो भी ओपन होगी और साथ ही डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आपने उस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फ्री डाउनलोड का ऑप्शन लिखा होगा। जैसे ही आप फ्री डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने डाउनलोड किया हुआ, इस वजह से मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर। हमारी जो दूसरी वेबसाइट है ये भी बहुत कमाल की वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको हाई डेफिनेशन वीडियोज़ मिल जाती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस वेबसाइट का नाम है Pexel.com। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको फ्री वीडियोस के साथ फ्री इमेजेस भी मिल जाती हैं, आपको हर कैटेगरी की यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। आपने जस्ट क्या करना है, अपनी नीच के मुताबिक यहाँ पर सर्च करना है, नीचे इस तरह का आइकन होगा डाउनलोड का, आपने उस पर क्लिक करना है, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी दो वेबसाइट्स जहाँ से आपको फ्री में इमेजेस, फ्री में वीडियोस, फ्री में ऑडियो, हर चीज़ फ्री में मिल जाती है विदाउट कॉपीराइट क्लेम, कहीं पर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं।
और जो तरीका मैंने आपको बताया YouTube का, YouTube की वीडियोस को भी आप डाउनलोड करके अगेन यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने Adobe Premiere Pro पर और सोर्स मॉनिटर के थ्रू इनको एडिट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनको एडिट किस तरह किया जाता है। आप अपनी भी कोई वीडियो बनाते हैं उसको भी नॉर्मली एडिट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे है। चले अब हम देखते हैं किस तरह इनको एडिट करना है। वो जो TikTok 2021 के हवाले से मैंने आपको वीडियोज़ दिखाई हैं उनमें से कुछ सैम्पल्स को डाउनलोड किया, वो भी क्रिएटिव कॉमन की वीडियोज़ हैं। उनको डाउनलोड करने के बाद अब हम देखते हैं एडिट किस तरह करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसको, मैं Adobe Premiere Pro के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर। ये मैंने सेक्शन के अंदर इंपोर्ट कर दिया। आपने एक चीज़ लाजमन याद रखनी है कि जब भी आप Adobe Premiere Pro पर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगें, आपने लाजमन जो आप कंटेंट यूज़ करेंगे उसको आपने सबसे पहले सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लेना है। जैसे किसी भी फोल्डर के अंदर इमेजेस सारे रखने, दूसरे फोल्डर के अंदर आपने वीडियोस रख लेनी है, तीसरे फोल्डर के अंदर आपने ऑडियो सारी रखनी है। मतलब आपने एक सीक्वेंस बना लेना है, उसके बाद आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली मैं तो इसी तरह करता हूँ कि मैं सबसे पहले सीक्वेंस बना लेता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ इम्पोर्ट करता हूँ। इससे ये हो जाता है मुझे पता होता है कि मेरे किस बिन के अंदर कौन कौन सा कंटेंट पड़ा है और इजली वहाँ जाकर मैं क्या करता हूँ उनको उठाता हूँ और एडिटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। वेल, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, हमारे पास जो कंटेंट था, जो वीडियोस थी, वो हमारे पास अपेयर हो गई हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है सोर्स मॉनिटर, इसको कहते हैं सोर्स मॉनिटर या सोर्स विंडो पैनल भी इसको कहते हैं। वेल, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं अपनी किसी भी वीडियो पर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा, जो हमारा कॉन्टेंट होगा, जो हमारी वीडियो होगी, वो हमारे सोर्स मॉनिटर पर आ जाएगी। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं। वेल, मैं इस पर डबल क्लिक करने लगा हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, हमारे सोर्स मॉनिटर के अंदर ये कंटेंट अपेयर हो गया। अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। हम इजीली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हमें फीचर दिए गए और हमने इसको एडिट किस तरह करना है। ये हमारा मार्कर पॉइंट। मार्कर पॉइंट क्या है? इसके शॉर्टकट की है एम। एम प्रेस करेंगे आपके पास ग्रीन कलर का एक मार्कर आ जाएगा इसी प्ले हेड के ऊपर। इस मार्कर पॉइंट का काम ये होता है कि आप इस पॉइंट पर एडिटिंग करना चाहते हैं, आप पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको टिक करते जाते हैं कि हम इन पॉइंट्स पर एडिटिंग करेंगे, ताकि आप बाद में ये ना कोई पॉइंट मिस कर दें कि इस पॉइंट पर हमने एडिटिंग करनी थी। ये मार्कर पॉइंट इस वजह से बहुत हेल्पफुल है। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो एक विंडो पॉपअप होगी, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको वाइट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो हमारे पास इसका कलर भी चेंज हो गया। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा भी मार्कर ऐड कर सकते हैं। एम प्रेस करेंगे एक और मार्कर आ जाएगा, इसी तरह एक और आगे भी हम मार्कर ऐड कर सकते हैं। इन मार्कर को क्लियर किस तरह किया जाता है? अगर आप एक मार्कर को क्लियर करना चाहते हैं, आपने राइट क्लिक करना है, ऊपर ऑप्शन आएगा क्लियर सिलेक्टेड मार्कर। अगर आप क्लियर सिलेक्टेड मार्कर पर क्लिक करते हैं तो आपका जो सिलेक्टेड मार्कर होगा सिर्फ वहीं डिलीट होगा, वहीं क्लियर होगा, बाकी जो मार्कर पॉइंट होंगे वो वैसे के वैसे रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा मार्कर, मतलब जितने भी मार्कर्स हमारी टाइमलाइन पर लगे हुए हैं, वो सारे मार्कर एक ही टाइम में सारे डिलीट हो जाएं, सारे क्लियर हो जाएं, तो आपने क्या करना है, किसी भी मार्कर पॉइंट पर आकर राइट क्लिक करना है और क्या होगा, क्लियर ऑल मार्कर का ऑप्शन होगा, आपने वहाँ पर क्लिक करना है, तो आपके जितने भी मार्कर होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, सारे क्लियर हो गए। लेट्स सपोज मुझे इस वीडियो में से कोई खास क्लिप चाहिए, तो वो खास क्लिप मैं कैसे निकालूंगा? तो उसका तरीका ये है, आपके पास ये मार्किंग पॉइंट और दूसरा ये है मार्क आउट पॉइंट। मार्किंग की जो शॉर्टकट की है वो है आई और जो मार्क आउट की शॉर्टकट की है वो है ओ। जो आपका इनिशियल पॉइंट होगा वो मार्क इन पॉइंट होगा। आपने अपनी क्लिप का इनिशियल पॉइंट डिसाइड करना है। लेट्स सपोज मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ और मैं प्रेस कर रहा हूँ आई, तो हमारा क्लिप का इनिशियल पॉइंट डिसाइड हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पर मेरा क्लिप एंड हो जाए, मार्क आउट पॉइंट, मतलब ओ को प्रेस करना है। जैसे ओ को प्रेस करेंगे ये हमारा एंड पॉइंट उस क्लिप का बन जाएगा, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अब हमारा क्लिप बन चुका है। इसको भी क्लियर करने का एक ही तरीका है, राइट क्लिक करें, क्लियर इन एंड आउट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो क्लिप होगी वो खत्म हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि ये जो क्लिप है हमारी टाइमलाइन पर आ जाए। आपने जस्ट क्या करना है, जो आपका कंटेंट होगा या जो आपकी वीडियो होगी उसके किसी भी पॉइंट पर आपने क्लिक करना है और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो आपकी जो क्लिप होगी वो टाइमलाइन पर ऐड हो जाएगी। अब ये देखें, आपकी सिर्फ ये चंद एक सेकेंड की जो क्लिप है वो ऐड हुई है, जो आपने अभी क्लिप बनाई थी। वेल, अब हम आते हैं कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। गो टू इन पॉइंट, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस आई। इसी तरह गो टू आउट, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस ओ। गो टू इन का मतलब क्या है? जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपका जो ये प्ले हेड है, आपके वर्क एरिया, मतलब आपकी जो टाइमलाइन है, उसके स्टार्ट पॉइंट पर आ जाएगा। इस स्टार्ट पॉइंट पर आ जाएगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें प्ले हेड हमारा स्टार्ट पॉइंट पर आ गया। और ये जो गो टू आउट पॉइंट है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, हमारा जो वर्क एरिया है उस पर जो हमारा प्ले हेड है वो एंड पॉइंट पर आ जाएगा।
मैंने इस पर क्लिक किया, ये एंड पर आ गया। अब एक और चीज़ समझने वाली है जो हमने क्लिप बनाया होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक एक क्लिप बना रहा हूँ, मैंने क्लिप बना लिया। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो हमारी क्लिप का जो स्टार्ट पॉइंट होगा वहाँ पर हमारे प्लेहेड आएगा, ना कि हमारी जो ओवरऑल वीडियो है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर। अब हमारा जो गो टू आउट पॉइंट होगा, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब हमारा प्लेहेड कहाँ आएगा, हमारी उस क्लिप के एंड पॉइंट पर आएगा, ना कि हमारे वर्क एरिया के एंड पॉइंट पर आएगा। अब मैं इस क्लिप को ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, इस टाइमलाइन को अगर आप जूम इन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, बैक स्पेस के साथ साइन होगा प्लस का, उस की को आपने प्रेस करते जाना है, आपकी जो टाइमलाइन होगी जूम इन होती जाएगी और ये जो है मिनिमाइज होता जाएगा। ये अभी आपने नोट किया होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर डिक्रीज हो रहा है। वेल देखें, मैं फिर से प्लस साइन प्रेस कर रहा हूँ, ये फिर से डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये कि आपका जो वर्क एरिया है वो जूम हो रहा है, और इसी प्लस के साथ जो आपके पास माइनस किया उसको जैसे प्रेस करेंगे तो आपका जो वर्क एरिया होगा वो जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। वेल, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ। जूम इन करने के बाद हमने कुछ चीज़ें समझनी है। इसको कहते हैं फ्रेम फीचर, बैकवर्ड फ्रेम फीचर, और इसको कहते हैं फॉरवर्ड फ्रेम फीचर। बैकवर्ड फ्रेम फीचर का मतलब ये है कि आपका ये जो प्ले हेड है एक एक फ्रेम बैकवर्ड की तरफ आएगा। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो एक एक फ्रेम बैकवर्ड की तरफ आ रहा है। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड पर लेफ्ट की को भी प्रेस कर सकते हैं, इससे भी आपका बैकवर्ड की तरफ आएगा। ये देखें एक एक फ्रेम। अगर आप चाहते हैं कि फॉरवर्ड की तरफ मूव करें, राइट साइड एरो बटन प्रेस करते जाना है, ये फॉरवर्ड की तरफ आएगा, या फिर आपने इस फीचर को क्लिक करते जाना। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। जूम आउट करने के बाद लेट्स सपोज मैं इस वीडियो को प्ले करना चाहता हूँ। प्ले करने के लिए आपके पास ये प्ले का ऑप्शन है, आपने इसको क्या करना है, क्लिक करना है और आपकी वीडियो या आपका जो भी कंटेंट होगा वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें ये प्ले हुआ, उसके बाद मैंने इसको स्टॉप कर दिया। इसके बाद अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इंसर्ट का एंड ओवरराइड का। इंसर्ट किस लिए काम आता है, इसको हम इस तरह से समझते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और हमारी जो दूसरी वीडियो है उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। सीक्वेंस चेंज हुआ। अच्छा, सीक्वेंस के हवाले से जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है और ये टाइमलाइन हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पर एक क्लिप बना लेना है। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लिप बनाया। जैसे हमने क्लिप बना लिया, हमने कुछ भी नहीं करना, ना इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, हमने जस्ट आना है इंसर्ट के ऑप्शन पर, या हम होम की को प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो क्लिप बना हुआ है, ये वाला क्लिप यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस इंसर्ट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये इस प्ले हेड वाले पॉइंट पर इस वीडियो को डिवाइड करेगा और यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। चलें देखते हैं। ये देखें, मैं इसको ज़रा जूम इन कर लेता हूँ। ये देखें, हमारी जो वीडियो थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है, उसके दरमियान हमारे पास ये वीडियो आ गई। ये देखें, अब हमारे पास क्या है, ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। अभी जो ये पेस्ट हुआ है पार्ट, इस पार्ट को देखें, इस पार्ट के अंदर ये किसी गार्डन में सारे दोस्त इकट्ठे बैठे हैं, ये पॉइंट देखें, ये भी वही वीडियो है। ये यहाँ पर आकर क्या हो गई है, इंसर्ट हो गई है। मतलब ये कि दो हिस्सों में डिवाइड किया इसने उस वीडियो को, उसके बाद क्या किया है, जो क्लिप हम निकाला है उसको इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। वेल, अब हम डिस्कस करते हैं ओवरराइड क्या है। इस पॉइंट को कहते हैं ओवरराइड, इसकी शॉर्टकट की है डॉट। जैसे ही आप डॉट को प्रेस करेंगे यहाँ पर ओवरराइड हो जाएगा। अब ओवरराइड क्या होता है इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। अब ओवरराइड का मतलब ये जो प्ले हेड यहाँ पर मौजूद है, इस प्ले हेड पर ये जो एरिया होगा इसके इर्द गिर्द का, इस एरिया के अंदर हमारी जो क्लिप होगी क्या होगी, ओवरराइड हो जाएगी। मतलब यहाँ पर पेस्ट होगी, लेकिन इस वीडियो का ये जो पार्ट होगा ये डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसमें तो क्या था, दो हिस्सों में डिवाइड किया था, उसके बाद उसके दरमियान वाले हिस्से में मिड पॉइंट में हमने उस वीडियो को ऐड कर दिया था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका जो मिड पॉइंट का एरिया होगा, जो वीडियो होगी वो क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं इस पर जैसे ही प्रेस करता हूँ, अब ये देखें क्या हुआ है, हमारी जो वीडियो है वो इंसर्ट तो हुई है, यहाँ पर पेस्ट तो हुई है, लेकिन इसको दो हिस्सों में तकसीम नहीं किया इसने। हमें लग ऐसे रहा है दो हिस्सों में इसने तकसीम किया है, लेकिन एक्चुअल में इसने क्या किया, इसका ये जो पार्ट था इस वीडियो का, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट था उसको बिल्कुल ही डिलीट कर दिया और उसकी जगह पर हमारे इस क्लिप को पेस्ट कर दिया। चलें देखते हैं। ये देखें, अभी इस पॉइंट पर ये बंदा इस बंदे के साथ बात कर रहा है, और इस पॉइंट पर देखें एकदम से ये बंदा आ गया। अब यहाँ पर क्या है, लेट्स सपोज हमारी ये जो क्लिप थी, ये क्लिप थी, मैं इस क्लिप को ज़रा डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद ज़रा इस पॉइंट पर हमने दो बंदे देखे थे,
और इस पॉइंट पर हमने एक बंदा देखा था। अब आपने नोट करना है, मैं इसको जैसे ही डिलीट करूँगा, ये देखें अब ये आके हमारे इस पॉइंट पर ये दो बंदे इकट्ठे हैं। अब इसके फौरन बाद ये बंदा आ गया, वो बंदा नहीं आया, मतलब ये इस बंदे का जो पार्ट था वो सारा डिलीट हो गया, उसकी जगह पर हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया था। तो ओवरराइड का ये काम होता है कि वो वीडियो का एक स्पेसिफिक पार्ट डिलीट करके अपना जो हमने क्लिप लगाया उसको राइट कर देता है, उसको पेस्ट कर देता है उस पॉइंट पर। वेल, अब हम आ जाते हैं अपने कंट्रोल मॉनिटर की तरफ। मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। अब आपके पास ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके पास आपके प्रीमियम प्रो के अंदर मौजूद नहीं होंगे, ये मैंने खुद से ऐड किए हैं। ये कहाँ से आते हैं, ये जो आपके पास प्लस का साइन है इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक विंडो पॉपअप होगी, उसके अंदर आपके पास बाकी जितने भी टूल्स होंगे या जितने भी फीचर्स होंगे वो अपेयर हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी इन में से जितने कुछ फीचर्स थे उनको यहाँ पर ऐड कर लिया था कि आपको समझा सकूँ। वेल, अब हम आ जाते हैं इन फीचर्स पर। अब हमने ये क्लिप बनाया हुआ, इसका ये एक इनिशियल पॉइंट है। लेट्स सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इनिशियल पॉइंट पर इसको ले आया, प्लेहेड को, जो इस क्लिप का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस प्लेहेड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस क्लिप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। आप चाहते हैं इस ओरिजिनल वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए, मतलब आपकी ये जो क्लिप है स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो वीडियो के और इस पॉइंट पर आकर एंड हो जाए। तो आपने जस्ट क्या करना है, इस पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट पर लाने के लिए आपने इसको जैसे ही प्रेस करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस करेंगे तो ये क्लियर इन होकर आपके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। अब इस क्लिप को आप ये चाहते हैं कि एंड पॉइंट हमारी इस वीडियो के एंड पॉइंट पर आ जाए, मतलब आपकी ये जो क्लिप है इंक्रीज होकर इस साइड पर एंड में आ जाए, तो आपने जस्ट क्या करना है, क्लियर आउट पॉइंट पर क्लिक करना है या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करेंगे तो आपका ये जो एंड पॉइंट होगा इस पॉइंट पर आ जाएगा। ये देखें, तो ये होता है कि अगर आप अपने क्लिप को लेफ्ट साइड से इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसको प्रेस करें, राइट साइड से इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसको प्रेस करें। पहले मैं इसको नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्ले वीडियो इनटू आउट का क्या मतलब है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो क्लिप है ये एक मर्तबा स्टार्ट हो, एक मर्तबा प्ले हो, तो आपने जस्ट क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, तो आपकी जो वीडियो होगी या वीडियो की जो क्लिप होगी वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी वन टाइम। अब आ जाते हैं गो टू नेक्स्ट मार्कर पॉइंट, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एम, और ये गो टू प्रीवियस मार्कर पॉइंट जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। क्लियर कर रहा हूँ, मैंने क्लियर किया, मैं कुछ मार्कर पॉइंट्स लगा रहा हूँ, एक, दूसरा और ये तीसरा मैंने मार्कर पॉइंट लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ हमारे जो प्ले हेड डायरेक्टली इस मार्कर पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर आ जाए, तो आपने क्या करना है, प्रीवियस मार्कर पर क्लिक करेंगे तो ये इस पर आ जाएगा, फिर अगर क्लिक करेंगे तो उससे प्रीवियस पर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं फॉरवर्ड की तरफ मूव करें तो आपने क्या करना है, फॉरवर्ड मार्कर क्लिक करना है, अगेन करेंगे तो वो मज़ीद आगे आ जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लिप है, मैं क्लिप बना रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्ले अराउंड, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस के। प्ले अराउंड के वर्ड से हमें पता चल रहा है ये जो प्ले हेड है हमारे पास इसके इर्द गिर्द प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा ये जो वीडियो है। जो प्ले हेड है थोड़ा सा यहाँ पर आएगा और यहाँ से वीडियो स्टार्ट होगी, प्ले होना स्टार्ट होगी, उसके बाद इस प्ले हेड का जो ये पॉइंट है इससे थोड़ा सा आगे जाकर हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो अब हम इसको देखते हैं किस तरह होगा। ये थोड़ा सा जूम करने लगा, जूम करने से आपको ज़्यादा समझ आएगी। मैं अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट से थोड़ा सा राइट साइड पर एंड होगा। ये देखें, ये इस पॉइंट से अब आगे जा रहा है, मतलब यहाँ पर आकर एंड हो गया। अब ये लूप क्यों स्टार्ट हुआ, ये दोबारा उस पॉइंट पर क्यों दोबारा ये स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो ये लूप प्लेबैक है ये ऑन है। लूप प्लेबैक का मतलब क्या होता है कि आपका जो क्लिप होगा या जो आपकी वीडियो होगी वो बार बार रिपीटेड टाइम प्ले होती रहेगी। अगर आप इसको ऑफ रखते हैं सिर्फ एक मरतबा आपकी वीडियो प्ले होगी। लेट्स सपोज हमारी ये एक वीडियो है जिसका मैंने क्लिप बना लिया, क्लिप बनाने के बाद मैंने क्या किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये देखें ये पार्ट आ गया। इसको मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ इस वीडियो का सिर्फ ये पार्ट मुझे चाहिए और जो दूसरी वीडियो है हमारे पास यहाँ पर मैंने आउट कर दिया, मैंने इसका एक क्लिप बना लिया। क्लिप बनाने के बाद मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, दो पार्ट्स आ गए आपके पास, एक एक वीडियो का, दूसरा दूसरी वीडियो का। इस तरह आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ बनानी है, उनमें से जो पार्ट आपको ठीक लगे उसको आपने क्लिप बनाना है। क्लिप बनाने के बाद मुख्तलिफ क्लिप्स को आपने ऐड करते जाना है, तो जैसे ही आप ऐड करते जाएंगे आपकी एक वीडियो बन दी जाएगी। वीडियो आपके पास बन गई, मुख्तलिफ क्लिप्स आपने ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद अब आपने इसको एक्सपोर्ट किस तरह करना है। एक्सपोर्ट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, एक्सपोर्ट पर आना है। एक्सपोर्ट पर जैसे ही आएंगे मीडिया के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस एम
शॉर्टकट की है उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास किस तरह की विंडो पॉपअप होगी। आपने फॉर्मेट को चेंज नहीं करना, H.264 पर जैसे आप क्लिक करेंगे इसका मतलब ये है आपकी जो वीडियो है जिस रेजोल्यूशन के अंदर है उसी रेजोल्यूशन के अंदर ही सेव होगी। मतलब एक वीडियो होती है उस वीडियो की रेजोल्यूशन को आप बढ़ा कभी नहीं सकते, कम कर सकते हैं उसको, मजीद इन्हेंस नहीं कर सकते, उसके अंदर एडिटिंग करके उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं बट उसकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ये जो H.264 है ये आपको जो आपकी ओरिजिनल वीडियो होगी उसी की ओरिजिनल रेजोल्यूशन ही देगी। अगर आप कोई और पॉइंट क्लिक करते हैं तो उससे ये होगा आपकी फाइल का साइज़ भी बढ़ जाएगा तो हैवी हो जाएगी, आपने उसको नहीं कहा। प्रीसेट के अंदर आएंगे, प्रीसेट के अंदर आपके पास मैसोज हाई बिट रेट का ऑप्शन होगा, आपने इसको क्लिक करना है। ये भी आपकी वीडियो को जो ओरिजिनल होगी उसी रेजोल्यूशन में देगी। अदरवाइज़ अगर आप किसी और फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डिफरेंट प्रीसेट्स भी मौजूद हैं। लेट्स सपोज आप YouTube के लिए इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप इसे YouTube पर अपलोड करेंगे तो आपके पास YouTube के भी ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप Twitter पर करना चाहते हैं उनके भी हैं, इसके अलावा अगर आप Facebook पर करना चाहते हैं तो Facebook के भी ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप जिस प्लेटफॉर्म पर इसको अपलोड करेंगे उसके लिए आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। सिंपली एक्सपोर्ट पर आपने क्लिक करना है, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपने क्या करना है, उसको यूज़ कर लेना है अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि हमारा जो सोर्स पैनल है या सोर्स मॉनिटर है उसको किस तरह यूज़ करके हम एडिटिंग कर सकते हैं, किस तरह छोटे छोटे क्लिप्स लेकर हम अपनी एक वीडियो बना सकते हैं, जो हमें क्लिप्स ठीक हैं उनको ऐड करते जाएंगे और एक वीडियो बना लेंगे। हमसे मिस्टेक हुई है, लेट्स सपोज हमें खांसी आ गई, तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं आपने उन क्लिप्स को नहीं ऐड करना, उसके अलावा बाकी जो सही पार्ट होगा उनके क्लिप्स बनाते जाएं, उनको ऐड करते जाएं। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, एक वीडियो आपके पास बन के आ जाएगी, आपने जस्ट एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म से वीडियोज़ ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और उनको यूट्यूब पर यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को हल्का सा टच कर देना ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।